चाहे कोई भी बायोइंजन बनाइए, यही फार्मूला दोस्तों लागू होता है 1-3-10, 1-3-10। बायोइंजन के बारे में तो बहुत आपने सुना होगा और बहुत बना के आप यूज भी किए होंगे, लेकिन मैं बताऊं कि आज जो एक मैं बता रहा हूं बायोइंजन, बहुत ही बेहतरीन बायोइंजन बनाने का तरीका आपको बताएंगे। तरीका दोस्तों मैं इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि बायोइंजन बनाने का प्रक्रिया क्या है, और बायोइंजन जो बना लेते हैं इस्तेमाल भी करते हैं, रिजल्ट आता भी है, लेकिन मैं बताऊं कि जिस तरीके से अगर हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप बायोइंजन बनाएंगे तो 100% आपको रिस्पांस बहुत बेहतरीन मिलेगा। क्योंकि बहुत यूट्यूब पे आपको बायोइंजन का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जो सही मात्रा में कितना कितना मात्रा में ले के बनाना है सामानों को और कितना पानी मिक्स करना है, ये कोई बताने वाला नहीं है। दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत बारीक बताऊंगा कि बायोइंजन किस कोई भी बायोइंजन कैसे बनाते हैं और कितना मात्रा में लेके बनाते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, और पेज भी देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो अप जरूर कर दें। तो चलिए बताते हैं कि जो बायोइंजन की हम बात कर रहे हैं तो कौन सा बायोइंजन के बारे में आपको हम बता रहे हैं, उसके क्रम में आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये बहुत तरीके के बायोइंजन है, क्योंकि बहुत तरीके के बायोइंजन हम बना रखे हैं। जैसे देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में ये है चुकंदर, जो चुकंदर के जो छिलके होते हैं, चुकंदर के छिलके के बायोइंजन बना सकते हैं। इसमें आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसको भी यूज करिए, रिस्पांस इसका बहुत बढ़िया मिलता है। और इसके साथ में देखिए एक किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट का आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते होंगे, ड्राई फर्टिलाइजर बनाते होंगे, लेकिन उसका बायोइंजन बनाइए और यूज करिए, बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिलता है किचन वेस्ट से भी। और ये देख रहे हैं मैरीगोल्ड गेंदा, इस समय गेंदे बहुत आपको मिल जाएंगे, प्रचुर मात्रा मिल जाएंगे, और इस तरीके से बनाइए। गेंदे का भी बहुत बढ़िया इंसेक्ट के ऊपर काम करता है, गेंदे के जो बायोइंजन बना के यूज करते हैं। तो उसके साथ साथ देखिए ये संतरे के छिलके, जैसे नींबू के छिलके लोग आप बनाते हैं बायोइंजन, तो देखिए देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ये मैंने बना के रखा हुआ है और इसको यूज करते हैं तो रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं ये देखिए, ये एक केले का बायोइंजन है, जो केले के छिलका होता है, बहुत बढ़िया रिस्पांस इसका मिलता है, इसमें पोटास भरपूर मात्रा में मिलता है। और पौधे पे, जिस पौधे पे फल और फूल नहीं आ रहा है, उस पौधे पे 1 लीटर पानी लेके 2 ml मिला के छिड़काव करते हैं, रिस्पांस बहुत बेहतरीन मिलेगा। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आज जो बना रहे हैं बायोइंजन, कैसे इसका बायोइंजन को बनाते हैं। तो सबसे पहले बायोइंजन लेने के लिए हम मात्रा को आपको कन्फर्म कर दे रहे हैं। मात्रा जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुड़ से। गुड़ देखिए, गुड़ मैंने ले रखा है 50 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ आपको लेना है। और उसके बाद इसके 3 गुना 1-3-10, 1 गुना आपको लेना है गुड़, मतलब 50 ग्राम गुड़ आपका हो गया। उसके बाद जो इसमें आपको मटेरियल आपको लेना है, मटेरियल इसमें हमको लेना है देख रहे हैं लहसुन और मिर्च, ये बहुत बेहतरीन इंसेक्ट के ऊपर काम करता है। और इंसेक्ट के साथ साथ एक बोनस भी आपको हम बताएंगे जो अपने किचन में ये बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितना लेना है लहसुन और मिर्च को, लहसुन और मिर्च को लेना है 150 ग्राम। दोस्तों ये ध्यान रहे, 1 ये हो गया और 3rd ये हो गया, 50 ग्राम गुड़, 150 ग्राम आपका मटेरियल हो गया, और 150 ग्राम मटेरियल में लहसुन ले लीजिए 75 ग्राम, और जो मिर्च है मिर्च ले लीजिए 75 ग्राम, और उसको हल्का सा खल में कूच लीजिए, हो गया। इसके बाद 10 मतलब मीन्स आपको लेना है 500 ml पानी। चाहे कोई भी बायोइंजन बनाइए, यही फार्मूला दोस्तों लागू होता है 1-3-10, 1-3-10, 500 ml पानी, 150 ग्राम मटेरियल और 50 ग्राम गुड़। चाहे गेंदे का हो गया, किचन वेस्ट हो गया, या गुलाब के फूल का जो बायोइंजन हो गया, कोई भी बायोइंजन बनाते हैं तो यही फॉलो आपको करना है। अगर 1 लीटर पानी है तो 300 ग्राम मटेरियल, 100 ग्राम गुड़। इस तरीके से आप बहुत बड़े लेवल पर बनाते हैं तो यही क्वांटिटी को आप इसे प्लस कर लीजिएगा। तो करना क्या है, एक ले लेते हैं डब्बा, और ये ध्यान रहे कि 500 ml अगर पानी जिस डब्बे में पैक करते हैं तो उस डब्बे में ये ध्यान रहे कम से कम अगर 2 लीटर का डब्बा हो तो बढ़िया हो, नहीं तो 1 लीटर 1200 ml का डब्बा रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 500 पानी है, 500 डब्बे में भर लेते हैं हम। दोस्तों इस तरीके से ये बनाएंगे, इसका रिस्पांस इतना बढ़िया है कि हम बना के देखिए रखे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 500 ml हमने पानी इसमें डाल दिया, और इसमें देखिए ये जो बायोइंजन देख रहे हैं, ये जो बायोइंजन है ये सेम यही इंसेक्ट के ऊपर काम करता है, और ये लहसुन और मिर्च का है।
बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये काम करता है। अब इसमें करना क्या है, जो गुड़ है गुड़ को हम डालते हैं। दोस्तों बायोएंजाइम अगर आप नहीं बनाते होंगे तो जरूर बनाइए मेरे कहने से, क्योंकि ये तो इसमें पैसे नहीं लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन अगर ये अपने घरों पे अगर ये बना लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन इसमें मल्टी विटामिन का भी काम करता है बायोएंजाइम। अगर यूज नहीं किए होंगे तो यूज करके देखिए। कभी कभी होता क्या है कि जब पौधे पे आप हर चीज़ हर एक खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन फिर भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन उस कंडीशन में अगर बायोएंजाइम आपके पास है तो आप तुरंत लीजिए 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए 2 ml। ये इसका पर्टिकुलर डोज है 2 ml। 2 ml से अधिक आपको यूज नहीं करना है। जो मैं आपको क्वांटिटी बताया हूँ इस क्वांटिटी को आपको बना के और मात्र 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के यूज करना है। अब इसमें हम लहसुन और मिर्च को डाल लेते हैं। देखो दोस्तों इसको हमने इसमें भर दिया। अब इसमें करना क्या है, ढक्कन को आप इस पर अच्छे तरीके से लगा दीजिए और ढक्कन को लगाने के बाद एक बार इसे इसको सेक कर दीजिए। अब इसके बाद एक काम आपको करना है, इसको रखना है छाया जगह पे। रखने के बाद हर 48 घंटे के अंदर में, ये आप ध्यान रहे, हर दूसरे दिन पे इस ढक्कन को हल्का सा इस तरीके से आपको ढीला करना है। ये ढक्कन देख रहे हैं, ढक्कन को हल्का इस तरीके से ढीला करना है, ढक्कन को बाहर निकालना है, ढक्कन को ढीला करना है और फिर इसको इस तरीके से कस देना है। फिर 48 घंटे बाद करना क्या है, ढक्कन को ढीला कर दें, फिर आपको कस देना है। ये प्रक्रिया आपका चलेगा 30 दिन तक, हर दूसरे दिन पर ये आपको काम करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये फ्री का आप बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत आपको जरूरी है और मेहनत आप कर लेंगे तो ये बायोएंजाइम मार्केट में आपको खरीदने पर नहीं मिलेगा। और इसके बाद जब दूसरा महीना आपका रेडी होगा, दूसरे महीने में आपको करना क्या है, सप्ताह में एक बार ढक्कन को आप ढीला करिए और ढक्कन को फिर कर दीजिए। दोस्तों ये गैस रिलीज होना इसलिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बोतल क्या है, बोतल ब्लास्ट कर जाएगा। और उसके बाद तीसरे महीने में आपको 15 दिन पे एक बार इसको ढीला करना है और इसको पैक कर देना है। 90 दिन के अंदर में ये बायोएंजाइम बन के हो जाएगा तैयार, सेम इस तरीके से। देखिए इतना बचा हुआ बायोएंजाइम, और ये इसका रिस्पांस मैं बताऊँ आपको कि अगर क्या है, कोई भी सब्जी वाला पौधा हो, फूल वाला पौधा हो या फ्रूट वाला पौधा हो, बहुत बेहतरीन काम करता है। लेना है 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में 2 ml डालना है बायोएंजाइम, और 2 ml बायोएंजाइम के बाद उसमें आपको मिलाना है डिशवाश या स्टिकर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद छिड़काव करिए, बहुत बढ़िया है। देखिए बैंगन के पौधे पर हम छिड़काव कर रहे हैं, बहुत ही इसका रिस्पांस है, इस पर एक भी आपको मच्छर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसिड देखने को नहीं मिल रहे हैं, एफिड देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब आपको एक काम ये करना है कि बायोएंजाइम तो आपने बना लिया, इस बायोएंजाइम को अपने किचन में भी इसको यूज कर सकते हैं। किचन में कैसे यूज करना है, जैसे हम बता दें आपको कि आप अपने मार्केट से बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सामान है जो मार्केट से आप लेके आते हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज, जो आपके गार्डन में बहुत लोग गार्डन में सब्जियां लगा रखे हैं लेकिन बहुत लोग सब्जियां नहीं लगाए और मार्केट से लेके आते हैं, तो ये बायोएंजाइम बनाइए। और बायोएंजाइम बनाने पर जैसे देखिए टमाटर देख रहे हैं, टमाटर पर हम एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि करना ये है कि आप लीजिए 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी या 500 ml पानी, 1 लीटर पानी अगर आपको लेना है तो 1 लीटर पानी में एक काम ही करना है कि आपको इस बायोएंजाइम को यूज करना है 30 ml, और 500 ml लेना है पानी तो 500 ml में 15 ml, ये आपको ध्यान रहे। और करना ये है कि इसमें ले लीजिए पानी, आप देखिए इसमें हम 500 ml ले लेते हैं पानी, और 500 ml पानी लेने के बाद जो भी मटेरियल आप लेके आ रहे हैं जिसको अच्छे तरीके से आप धुलते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, परवल हो गया, सब्जी जो भी लेके आते हैं इसको आप धुल के अच्छे तरीके से रखते हैं, तो उसको धुलने से पहले आप करिए क्या, ले लीजिए 1/2 लीटर पानी और 15 ml बायोएंजाइम, और 15 ml इसमें आप डाल दीजिए। ये ध्यान दें, ज़्यादा आपको नहीं डाला, मात्र केवल 15 ml, 15 ml हम डाल लेते हैं इसमें, और 1 लीटर पानी रहेगा तो 30 ml, ये आपको ध्यान रहे। अब इसके बाद जो ये टमाटर है, इस टमाटर को इसमें आपको डाल देना है, कोई भी सब्जी डाल दीजिए, कोई भी सब्जी, और डाल के मात्र अब इसमें 1/2 घंटे के लिए इसे इस तरीके से छोड़ दीजिए।
दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जितने जीवाणु है विषाणु इस पर रहेंगे सभी किल हो जाएंगे, और फिर उसको बाद अच्छे तरीके से धुलिए और धूल की यूज करिए, बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। नहीं तो एक बार इसे ट्राई करके और देख के आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।